बाकी स्ल्लाबाद से मैं हूं कार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल इस वक्त रात के एक बजकर उनचास मिनट हुए हैं जबकि दर्जा हरारत आठ है और इस दर्जा हरारत के साथ इस शदीद सर्दी है जबकि पंजाब में मौसम गर्म हो चुका है पंजाब असम्बली में इस वक्त गर्मा गर्मी इतनी है चूंकि अपोजिशन के जितने भी अरकान हैं उनके पसीने छूट चुके हैं और वो इसम्बली हाल से हबस की वजह से बाहर निकल गए हैं और वहाँ पर वो ठंडी हवा खाने के लिए गए हैं जबकि असम्बली के अंदर एक नंबर पूरे का लिए गए हैं और परवेज लाही जो कि पर पंजाब, पंजाब, पंजाब के वजरे है जबकि अपोजिशन जो कि इस वक्त राना सनाउल की क्या मुतहद थे और राना सनाउल्ला ने पंजाब असम्बली में जाते हुए कहा था कि अब पंजाब असम्बली से हुकूमत को खत्म करके ही वापस जाऊंगा वो बगैर हुकूमत खत्म किए इस्लामाबाद की तरफ लौट चले हैं और इस वक्त तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा दिलचस्प मूव खेला है बड़ी एक दिलचस्प सियासी वारदात डाली उन्होंने जो कल एक इजलास शुरू किया था कल शाम को उस इजलास को आठ घंटे जारी रखा और उसमें किसी किस्म की वोटिंग का अतमाद का कोई एजेंडा शामिल नहीं था जिसे अपोजिशन भी किसी सूरत समझ नहीं रही थी कि ये इजलास में वोट जो है वो इतमाद का वोट लेंगे जबकि ने रात बारह बजे एक नया एजेंडा शामिल किया और उस नए एजेंडे के तहत उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऐलान किया जिस पर अपोजिशन ने एहजाजन वॉकआउट किया और वॉकआउट करने के बाद वो असम्बली हाल से बाहर निकल गए और उसके बाद जो इस वक्त हुक्मरान जमात है उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एहतमाद का वोट लिया और एतमाद के वोट में चौधरी परवेज लाही एक सौ छियासी नंबर पूरे करने में कामयाब हो गए उन्होंने एक सौ छियासी नंबर पूरे किए और तकरीबन आठ या नौ घंटों के एक तवील इजलास के बाद एक तवील कश्मश के बाद एक तवील थका देने वाली कार्रवाई के बाद परवेज अलाही वरिया पंजाब रहने में बरकरार रहने में कामयाब हो चुके हैं और इस वक्त वो वरियाला पंजाब में इस वक्त पंजाब में सियासी क्यों पैदा हो चुका है सियासी हलचल पैदा हो चुकी है और आज की रात जो है वो स्पेशली पंजाब और वफाक के लिए जागने की रात है चूंकि जो इस वक्त जमात है और जो इस वक्त पंजाब की जमात है वो तो जश्न मना रहे हैं जबकि वफाकी हुमरान जमात वो अदालत जाने का उन्होंने फैसला कर लिया जो पंजाब में अपोजिशन थी उन्होंने अदालत में जाने का फैसला कर लिया चूंकि हालात इस तरह के पाकिस्तान के बन चुके हैं कि इस वक्त तमाम सियासी किसी न किसी सूरत में वो गवर्नमेंट में मौजूद हैं वो अपोजिशन में इस तरह नहीं है कि कोई कोई एक जमात पूरे तौर पे अपोजिशन में हो अगर पीडीएम का एतिहाद है तमाम सियासी जमातों का तो वो वफाक में है वो सिंध में है और इसी तरह वो बलूचिस्तान में भी है जबकि केपी के और पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान तरीक इसाफ़ की गवर्नमेंट है पाकिस्तान तारीख इसाफ के लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो इस वक्त असम्बलीज उनके पास है अब देखना यह है कि क्या आगे कल क्या सूर्त हाल डेवलप होती है जो इस वक्त पंजाब में अपोजिशन है वो अदालत में जाएगी दोबारा तो अदालत इस पर क्या रिमार्क्स देती है अदालत इस पर क्या कार्रवाई करती है जबकि सबसे अहम चीज ये देखने वाली है कि इमरान खान के हुक्म के मुताबिक परवेज लाही तहलील करनी थी क्या अब स्ट्रेटजी तब्दील होगी अब स्ट्रेटजी में आएगा। या तहलील की जाएंगी। ये जो एक अदम की पैदा हो चुकी है ये किस तरफ जाएगी क्या रंग अख्तियार करेगी इसका तो फैसला सुबह होगा मगर अभी तक की जो इतलात हैं अभी आज की रात जागने की रात है और आज की रात स्पेशली जो इस वक्त पंजाब में अपोजिशन है पीडीएम है उनके लिए एक सख्त और थका देने वाली रात है क्योंकि उन्हें एक ऐसा सरप्राइज़ मिला जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो उन्हें उम्मीद नहीं थी और यकीन ये वही सरप्राइज़ है जो उन्होंने इमरान खान को माजी में दिया था कौमी असम्बली में उन्हें आज लौटा कर इमरान खान ने दिया है और प्रवेज़ लाही ने बिलाशुबह एक बेहतरीन सियासी वारदात खेली एक सियासी मूव खेला जिसका उन्हें आज एक फल मिला और उनकी जीत जो थी आज एक हैरान हैरानकुन जीत थी जिसे कोई प्रडिक्ट नहीं कर सकता था अब देखना यह है कि सुबह हालात किस तरफ जाते हैं सुबह अदालत इस पे क्या फैसला देती है और दीगर चीजें नई डेवेलपमेंट्स जो होती हैं वो सुबह होंगी उस पर सुबह आपको अपडेट करेंगे अपना देर ज्यादा ख्याल रखिए अल्लाह ने